गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल के क्लास में हम लोगों ने सेमेस्टर थ्री के सिलेबस पे हम लोगों ने ही चर्चा की थी लेकिन वो सिलेबस का पार्ट वन यानी सेमेस्टर थ्री में जो फाइव पेपर्स आप लोगों को पढ़ने हैं उसमें तीन पेपर का सी सी टेन एलेवन एंड ट्वेल्व पर हम लोगों को देखे थे क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस वो हम लोगों ने देखा था तो आज इसे सिलेबस पे ही चर्चा समझ लें इसे सिलेबस का पार्ट टू समझ लें पहले एक बार सिलेबस से रूबरू हो जाने से फिर पढ़ने में ठीक से समझ में आता है कि किस विषय में कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं तो कल तक हमने देखा था तो आज हम लोग इसे देखते हैं ये हम लोगों ने टेंथ पेपर टेंथ अलेवेंथ पे, और ट्वेल्थ हम लोगों ने देखा था तो आज सिलेबस पार्ट टू वाली ये क्लास में हम लोग इसे देखते हैं कि एम सेमेस्टर फोर्थ का सी सी थर्टीन पेपर क्या कहता है क्या पढ़ना हमें सी सी थर्टीन पेपर को कहते हैं फिलोसफी ऑफ रिलीजन ठीक है फिलोसफी ऑफ रिलीजन यानी धर्म दर्शन के बारे में धर्म के बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना पड़ेगा उसमें उसमें क्या क्या पढ़ना है उसमें आप ये देखें सेम और विषयों की तरह इस इसमें भी पांच यूनिट आप लोगों को पढ़ने हैं और ये जो पांच यूनिट है पहले यूनिट में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने सिलेबस सामने में है कि देखिए कि पहला यूनिट में जो दो भाग है वन और टू उसमें क्या पढ़ना है इसमें पढ़ना है पहला नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी ऑफ रिलीजन ठीक है धर्म दर्शन का जो स्वरूप है और उसका क्या क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ पढ़ना है कि धर्म दर्शन किसे कहते हैं या रिलीजन किसे कहते हैं और उसके क्षेत्र को और उसके उसकी प्रकृति या उसके स्वरूप को हम तो लोग देखेंगे फिर उसके बाद दूसरा जो स्कोप आ जाएगा उसमें रिलीज रिलीजियस फंडामेंटलिज्म देखना पड़ेगा यानी धार्मिक मौलिकता जो हम लोग मौलिकवाद या मौलिकता जो कहते हैं वो क्या है उसके उस पर हम लोग को भी विचार करेंगे फिर दूसरे यूनिट में हम लोग आ जाते हैं थ्योरी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ रिलीजन मतलब धर्म का उद्भव जो हुआ वो कहाँ से हुआ कितने धर्म और उनका उद्भव कहाँ से हुआ वो उसकी और उसका ओरिजिन के बारे में इस पर चर्चा करना है कौन कौन से कहाँ से वो उद्भूत हुआ है कहाँ से वो निकला है ठीक है अब यूनिट थ्री में देखिए हम क्या पढ़ते हैं यूनिट थ्री में हम लोग आ जाएंगे इसमें देखना है प्रॉब्लम ऑफ इविल एंड सफरिंग्स प्रॉब्लम ऑफ इविल क्या हुआ मतलब अशुभ की समस्या दुख कष्ट इत्यादि जो अशुभ आते हैं उसकी क्या समस्या है विल एंड सफरिंग्स ठीक है तो ये जो अशुभ की समस्या हम मनुष्यों को जो झेलना पड़ता है अपने जीवन में वो वो क्या है उसको किस तरह से हमारे दार्शनिकों ने परिभाषित किया है या किस तरह से उसको डिफाइन किया है और उसे पॉजिटिव रूप में लिया है या निगेटिव रूप में किस रूप में लिया है उस पर इस टॉपिक में चर्चा होती है फिर इसी यूनिट थ्री में ही हम देख रहे हैं कि जो दूसरा है फ्रीडम ऑफ विल यानी हमारा हमारी जो स्वतंत्र शक्ति है उस पर और कर्म और रिवर्थ हमारा कर्म और पुनर्जन्म इस पर चर्चा होना है ऑलमोस्ट हम लोगों ने सेमेस्टर टू में ये जो पढ़ा है उसमें इसमें इसमें बहुत वह कुछ उसे थोड़ा थोड़ा हमको देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने गांधीन थॉट जो जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने कर्म देखा रिवर्थ देखा और फ्रीडम ऑफ विल पे भी चर्चा है उसमें हम लोगों ने गांधी को जब देखा था टाइगर को भी देखा था तो कुछ उसमें चर्चा थी तो इसको हम लोग रिलीजन धर्म के रूप के परिपेक्ष में लेंगे धर्म दर्शन चूँकि ये हमारा है विषय तो उसमें हम लोग उस क्षेत्र में उसी में देखेंगे फिर यूनिट फोर में आए मिस्टिसिज्म रहस्यवाद किसे कहते हैं और इसके कौन समर्थक हैं और क्या है वो देखना है फिर दूसरा है एथेइज्म यानी थीज्म के आगे ए लग गया है थीज्म मतलब होता है ईश्वरवाद जो ईश्वर का समर्थन करते हैं और उस और उस, उसको मानते हुए जो सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं और उसके आगे में जब ए लग गया एथेइज्म यानी अनिश्वरवाद जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है और उसके कौन कौन से समर्थक हैं उन सिद्धांतों को उन विचारकों को इसमें देखेंगे अब यूनिट फाइव में चले आइए यूनिट फाइव में क्या पढ़ना है यूनिट फाइव में पढ़ना है रिलीजियन एंड मॉरलिटी धर्म और नैतिकता यानी धर्म किसे कहते हैं और नैतिकता क्या है फिर देखना पड़ेगा क्या धर्म का संबंध नैतिकता से है क्या बिना नैतिकता के धर्म संभव है इन ऐसे ऐसी बातों की चर्चा इसमें होगी और उसे हम लोग डिटेल्स में सब देखेंगे फिर लास्ट यूनिट फाइव का है ह्यूमैनिज्म एंड रिलीज्म ह्यूमैनिज्म क्या हो गया मानवतावाद इसी में मानवतावाद में न्यू ह्यूमनिज्म भी जोड़ दीजिए न्यू शुरू में तो हो जाएगा नव मानवतावाद और रिलीजन हो गया धर्म धर्म दर्शन या धर्म पर चर्चा करना है तो मानवतावाद और धर्म के ऊपर इसमें विचार किया जाएगा तो ये आपका हो गया सी सी तेरह यानी तेरहवा पेपर ये हो गया अब एक और पेपर जो पढ़ने हैं जो सी सी कोर कोर्स में जो पढ़ना होता है कंपलसरी सब्जेक्ट जो है तो वो हम लोग इसे देखें कि फोरटीनथ पेपर एम एस सेमेस्टर फोर का ये सी सी पेपर फोर क्या हुआ इसे भी फिलासफी ऑफ रिलीजन टू माना गया टू कहा गया है वो हो गया फिलासफी रिलीजन वन ये हो गया फिलोसफी ऑफ रिलीजन टू तो इसमें क्या क्या पढ़ना है इसमें मेरे ख्याल से आपको कुछ कन कन्न ये कंपेरेटिव कुछ आंसर्स हमको देने पड़ेंगे इसमें क्या क्या किन लोगों को क्या पढ़ना है तो यूनिट वन में हम देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोल एंड सेल्वेशन कॉन्सेप्ट ऑफ सोल क्या हो गया आत्मविचार और सेल्वेशन यानी मुक्ति मोक्ष विचार उसे देखना है फिर दूसरा इसमें भी देखना है प्रॉब्लम ऑफ एंड सफरिंग्स जो हम लोगों ने अभी फिलासफी ऑफ रिलीजन वन में देखा था फिर यूनिट यूनिट टू में चले आइए पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन यानी सार्वभौमिक धर्म की क्या संभावनाएं हैं पॉसिबिलिटी उसे देखेंगे और फिर दूसरा है फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिलीजन मतलब रिलीजन धर्म के बारे में जो झूठ जूट, झूठा बयानबाजी जो कहते हैं कह सकते हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि, कि है, कुछ गोल गोल मतलब सही बातें नहीं करके जो धर्म के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें जो होती है गोल गोल बातें कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं फॉल्स फॉल्सिफिकेशन शब्द ये जो बना है इसीलिए धर्म का आडंबर या जो झूठा पक्ष जो मतलब झूठ तो मतलब कि सही ढंग से जब धर्म को की विवेचना नहीं की जाती है तो उस तरह की जो बातें होती है उसको फॉरन पढ़ना है फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिलीजन में फिर यूनिट थ्री में है फ्रीडम ऑफ विल वही इच्छा शक्ति फिर दूसरा कर्म एंड रिवर्थ जो सेम उसमें था इसमें थोड़ा कंपेरेटिव हो जाएगा फिर यूनिट फाइव में है भक्ति एंड फेथ भक्ति क्या है और विश्वास क्या है क्या दोनों में कोई संबंध है इसको पढ़ना है फिर प्रेयर एंड वर्शिप यानी प्रेयर मतलब प्रार्थना और पूजा फिर यूनिट फाइव में है मिस्ट्रीसीज में रहस्यवाद और इन